हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्राइंग सपोर्ट चैनल। आज हमारा टॉपिक है फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट के मदद से स्मूथ कर्व्स एंड स्मूथ आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, टू ड्रॉ स्मूथ लाइन्स बिटवीन इरेगुलर पॉइंट्स, मान लो इसी तरह बहुत सारा इरेगुलर पॉइंट्स हैं, ये इरेगुलर पॉइंट्स को स्मूथ लाइन से जॉइंट करने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो है, तो देखिए मटेरियल्स, जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो है मेटल या तो वुड और प्लास्टिक। फ्रेंच कर्व मेटल, वुड या तो प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है, एंड ये फ्रेंच कर्व्स अवेलेबल इन सेट ऑफ अवेलेबल इन सेट ऑफ 6, 10, 12 एंड 16। मार्केट में 6 सेट का एक फ्रेंच कर्व्स मिलते हैं, 10 सेट का मिलता है, 12 सेट का मिलता है एंड 16 सेट का मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेंच कर्व्स है। ये फ्रेंच कर्व को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंच कर्व का ये पार्ट को यूज़ करके एक टाइप का कर्व बना सकते हैं, ये पार्ट को यूज़ करके एक टाइप का कर्व बना सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा देखिए, इसी टाइप का एक फ्रेंच कर्व मिलता है एंड इसी टाइप का एक फ्रेंच कर्व मिलता है, एंड ये देखिए, ये भी एक फ्रेंच कर्व है, और देखिए ये भी एक फ्रेंच कर्व है, और देखिए ये एक फ्रेंच कर्व है, ये एक फ्रेंच कर्व है। ठीक है, एंड ये देखिए, ये एक फ्रेंच कर्व है। ये फ्रेंच कर्व को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व ड्रा कर सकते हैं, ये पार्ट को यूज़ करके ऐसे कर्व ड्रा कर सकते हैं, ये पार्ट को यूज़ करके ऐसे कर्व ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए, ये एक फ्रेंच कर्व है। तो ये फ्रेंच कर्व्स को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ कर्व ड्रा कर सकते हैं। ये फ्रेंच कर्व्स को यूज़ करके जो ड्राइंग कर सकते हैं वो हैं, देखिए यूजेस, देखिए यूजेस, देखिए टू ड्रॉ इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ईटीसी। ये फ्रेंच कर्व्स को यूज़ करके इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ऐसे बहुत सारा ड्राइंग कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व्स को यूज़ करके इलिप्स कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आज हम दिखाएंगे। तो देखिए, ये एक इलिप्स का डायग्राम है, मैंने इसको पहले से ही बना लिया है। तो अभी ये सभी पॉइंट को देखिए, ये सभी पॉइंट को स्मूथ लाइन से फ्रेंच कर्व्स के मदद से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने ये फ्रेंच कर्व को यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, ये तीनों पॉइंट को मिला के ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, स्मूथ लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे लाइन ड्रा करना है। अभी ये तीनों पॉइंट को फ्रेंच कर्व के साथ मिला के ऐसे स्मूथ लाइन से
ड्रा करना है. एंड नेक्स्ट, तो इसी तरह ये पार्ट को भी ड्रा करेंगे. तो देखिए, एंड अभी ये पार्ट एंड ये पार्ट को ड्रॉ करेंगे. तो देखिए, तो फ्रेंच कर्व्स के मदद से ऐसे इलिप्स को ड्रॉ किया जाता है. ठीक है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.